मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा की सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम होने की वजह से लोग घंटों जाम में फंसे रहे। जानकारी के मुताबिक मित्तल से लेकर शिमला पार्क तालाब तक लंबा जाम लगा रहा। वहीं मित्तल से एमएम वैली होकर शिमला पार्क तालाब तक आने वाला जो रास्ता है उस पर भी ट्रैफिक जाम कौसा लब मुमरा से लेकर शिमला पार्क तालाब तक लगा रहा, मगर वहीं सिर्फ एक से दो ट्रैफिक वार्डन तालाब के पास ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा कहीं भी न ट्रैफिक कांस्टेबल और न ही ट्रैफिक वार्डन कहीं भी नज़र नहीं आए। जिसको जिधर से समझ में आया वो वहीं से गाड़ी निकालने के चक्कर में लगा रहा। लोग एक दूसरे से ट्रैफिक जाम में बहस और तूतू-मैं-मैं भी करते हुए नजर आए। मगर सवाल उठता है कि क्या मुमरा में कोई सिस्टम है जिससे ट्रैफिक जाम होने पर लगाम लग सके। बड़े बड़े दावे तो किए गए, ट्रैफिक कमेटी बनेगी, ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक वार्डन तैनात किए जाएंगे, मगर नेताओं द्वारा बताई गई ये बात सिर्फ लॉलीपॉप साबित हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि आज रविवार का दिन होने की वजह से ज़्यादातर जो हॉकर्स हैं वो पीली पट्टी के बाहर आ गए, जिसके वजह से ट्रैफिक जाम हुआ। मगर ऐसे में अगर ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक विभाग ने ठोस कदम आने वाले दिनों में नहीं उठाया तो आने वाले रमज़ान में मार्केट में और भी भीड़ होगी और भयानक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनेगी, जिसका खामियाजा मुमरा शहर के लोगों को भुगतना पड़ेगा।